आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन दी गई है, चार में से एक करेक्ट होगा। देखो, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस थ्री इट इज़ इक्वल टू वन है, तो जहाँ पर नॉमिनेटर की जो टर्म है ना, इसको आपने फैक्टराइजेशन कर देना है। फैक्टराइजेशन इसका कौन सा होगा, एक इसमें आएगा एक्स माइनस थ्री, सेकेंड आएगा एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री इट इज़ इक्वल टू वन। एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ गई है, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस थ्री इट इज़ इक्वल टू वन। तो तीन जो है जो दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री प्लस वन कितने हो गए, फोर। फोर का मतलब जो ऑप्शन हमारी डी है वो करेक्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ ए माइनस वी इक्वल टू टू एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ट्वेंटी देन फाइंड ए बी। चार ऑप्शन दी गई है, चार में से कोई एक करेक्ट होगा। देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो जो a माइनस बी इट इज़ इक्वल टू टू गिवन दिया गया है, आपने स्केयर बोथ साइड कर देनी है। अगर इसका स्केयर बोथ साइड करोगे तो a माइनस बी इसका होल स्केयर इट इज़ इक्वल टू टू का होल स्केयर हो जाएगा। टू का होल स्केयर कितना होता है, फोर। तो हमारे पास जहाँ पर आपने स्केयर ओपन कर देना है, a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी इट इज़ इक्वल टू फोर। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो जहाँ गिवन दी गई है कितनी है, ट्वेंटी। तो जहाँ पर इसकी वैल्यू ट्वेंटी फिल कर दी हमने, ट्वेंटी माइनस टू ए बी इट इज़ इक्वल टू फोर। तो इसके बाद देखो, जहाँ पर जो ट्वेंटी माइनस फोर इट इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास टू ए बी। ट्वेंटी माइनस फोर कितने होते हैं हमारे पास, सिक्सटीन। सिक्सटीन इक्वल टू टू ए बी, और जहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एट। एट का मतलब जो ऑप्शन हमारी बी है वो क्या होगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर एक्स की वैल्यू आपके पास टू माइनस क्यू है और वाई की वैल्यू है थ्री क्यू प्लस टू, तो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एक्स और वाई आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अब देखो, अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टू माइनस क्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी है, थ्री क्यू प्लस टू। तो जहाँ पर क्यू वाले एक साइड ले जाने हैं और दूसरी टर्म दूसरी साइड ले जानी है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री क्यू प्लस क्यू इट इज़ इक्वल टू टू माइनस टू। तो फोर क्यू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो जहाँ से क्यू की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, जीरो। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इफ़ ए बाई टू इक्वल टू बी बाई थ्री इक्वल टू सी बाई फाइव, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखो इसको कैसे करना, हमने सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, भी जो ए बाई टू है और बी बाय थ्री है और सी बाय फाइव है, आपने लेट कर लेना है, इट इज़ इक्वल टू के। जब a बाई टू को k के इक्वल करोगे, जहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2k। और जब b बाय थ्री को आप k के इक्वल करोगे, तब हमारे पास b की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, b इक्वल टू 3k। और जब थर्ड टर्म को आप इसके k के इक्वल करोगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5k। तो हमने इस वाले फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले फैक्टर में अगर हम a की वैल्यू फिल करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 2k, और b की वैल्यू कितनी है, 3k, और c की वैल्यू कितनी है, 5k डिवाइडेड बाय a, a की वैल्यू कितनी है, 2k। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 3 2 का 6k प्लस 3k प्लस 5k डिवाइडेड बाय 2k। तो कितना आ गया, 6 3 9 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 14k डिवाइडेड बाय 2k, k के साथ k कैंसिल हो गया और ये 7 इसका आंसर आ गया हमारे पास। 7 का मतलब जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो क्या होगा, इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी इफ ए अपॉन बी इट इज इक्वल टू फाइव। तो इस वाले फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी। चार ऑप्शन दी गई है, चार में से कोई एक को करेक्ट होगा। देखो जो हमारे पास टू ए प्लस बी है, टू ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी, सबसे पहले तो इस वाले पूरे फैक्टर को आपने बी के साथ डिवाइड कर देना है। बी के साथ डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू ए डिवाइडेड बाय बी, बी डिवाइडेड बाय बी कितना होता है वन, तो जहाँ आ जाएगा टू ए डिवाइडेड बाय बी माइनस बी अपॉन बी भी कितना आ जाएगा वन, और ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी दी गई हमको फाइव, तो जहाँ पर इसकी वैल्यू फाइव फिल कर दो। जब इसकी वैल्यू फाइव फिल की तो टू फाइव प्लस वन अपॉन टू फाइव माइनस वन, तो फाइव टू का टेन प्लस वन और टेन माइनस वन, तो कितना आ गया इलेवन डिवाइडेड बाय नाइन। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ वन टू बाय सेवन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किस किस को सब्ट्रैक्ट करना है, ए करना है आपने वन टू बाय सेवन। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करो कितना होता है, जी सेवन प्लस टू डिवाइडेड बाय सेवन, तो ये कितना आ गया नाइन डिवाइडेड बाय सेवन। एक आ गया हमारे पास नाइन डिवाइडेड बाय सेवन, और एक इसका रेसिप्रोकल निकालना है। किस चीज़ का डिफरेंस निकालना है, नाइन बाय सेवन, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा सेवन डिवाइडेड बाय नाइन। अब बस इसको जस्ट सॉल्व करना है आपने। सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, सेवन मल्टीप्लाई बाय नाइन, और मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन का होल स्क्वायर माइनस सेवन का होल स्क्वायर, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, थर्टी टू डिवाइडेड बाय 63। तो ये वाली ऑप्शन कहीं भी जहाँ देखो नहीं है ए बी सी में, तो इसका मतलब इसकी ऑप्शन कौन सी होगी, डी। नन ऑफ। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।